हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग ऑल वेल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी शिमरी आई मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। ये ट्यूटोरियल बहुत ही एकदम सिंपल होगा, अगर आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। अगर स्टेप से स्टेप फॉलो करो तो आई थिंक आपको 5 से 10 मिनट ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, आई एम डैम श्योर। सबसे पहले तो मैंने स्किन केयर कर दिया था, स्किन को पूरी तरह से प्रेप कर लिया था। देन उसके बाद मैंने आईब्रो को सेट कर लिया था और मैं इसके बाद NYB की जो कंसीलर आता है उसे लगा रही हूँ, जिससे कि मेरा आई शेडो का बेस बन जाए। एक और बात, सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगी कि कोई भी आई शेडो करो, मेकअप करो या कुछ भी करो, सबसे पहली जो मेन बात होती है स्किन केयर करना। मुझे जितना मेकअप करना पसंद है उससे कई ज़्यादा मुझे स्किन केयर करना पसंद है। तो सबसे पहले तो मैंने जो NYB का कंसीलर लगाया था अपनी आई शेडो की बेस के लिए, उसके बाद मैंने पाउडर से उसे सेट कर लिया। पाउडर जब बैठ जाता है तो हमारी आई शेडो के जो कलर होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड होते हैं। तो मैंने थोड़ा और भी पाउडर, अपनी जो टेलकम पाउडर होता है, नॉर्मली हम जो भी पाउडर यूज़ करते हैं उसे आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास लूज़ पाउडर नहीं है तो आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हो। मेरे पास लूज़ पाउडर था तो मैंने उसे यूज़ कर लिया है और उसे वाइप आउट कर लिया है। अच्छी पूरी तरीके से मैंने वाइप आउट कर लिया है और आप देख सकते हो मैंने सिर्फ आईब्रो और अपनी आईलिड थी वहाँ पे ही कंसीलर लगाया है, क्योंकि मुझे और जगह पर आपको नहीं बताना था, मुझे सिर्फ आई शेडो लुक शेयर करना था तो मैंने सिर्फ उसी पर किया है। देन उसके बाद मैंने ट्रांजिशन शेड लगाने के लिए सबसे पहले जो यूज़ किया है वो है पिंक कलर, जो कि बहुत ही प्यारा था। वो आई शेडो मुझे वो मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी, उसके कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। देन उसके बाद मैंने टैप लगा दी, जिससे कि क्या होगा हमारे आई शेडो लुक को एक शार्प पॉइंट मिल जाएगा, मतलब कि शार्प शेप शेड मिल जाएगा। और उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैं ऑलवेज़ ये ध्यान रखती हूँ जब मैं आई शेडो लुक करती हूँ तो सबसे पहले मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मैं अच्छे से उसे स्मॉच करूँ, कि कोई भी जगह पर थिक लाइन ना रह जाए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पर्पल और थोड़ा सा पिंक कलर और थोड़ा सा ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन करके मैंने उसे अपनी जो आउटर कॉर्नर भी था वहाँ पर लगाया, क्योंकि ऑलवेज़ आप देखते हो कि आई शेडो की जो लुक होती है ना उसमें जो आउटर कॉर्नर होता है वहाँ पे डार्क ही कलर लगे हुए होते हैं। अगर ट्रांजिशन शेड में हमने एक और हिंट दे देती हूँ आपको, अगर आप ट्रांजिशन शेड में ब्राउन कलर को यूज़ कर रहे हो तो आप आउटर कॉर्नर पर डार्क ब्राउन यूज़ कीजिए। अगर आपने ट्रांजिशन शेड में रेड कलर यूज़ किया है तो आप आउटर पर और ब्लैक और रेड कलर को मिक्स करके थोड़ा सा ज़्यादा डार्क बनाएंगे। देन उसके बाद जो मेन बात थी, मुझे पहली बार ही ये पता चला कि शिमरी शेड में वाटर ऐड करने के बाद उसे लगाना होता है। वैसे आप फिंगर से भी लगा सकते हो बट इससे बहुत ही आसानी तरीके से लगता है और बहुत ही शार्प हमें शेप मिल जाता है। देन उसके बाद जो हमारा आई बॉल का एरिया होता है, मैंने इनर जो वी था वहाँ पर भी मैंने इसे लगाया है और बहुत ही अच्छी तरीके से उससे हर जगह पर लगा दिया है, जैसे कि कोई ऐसी पॉइंट एम्प्टी पॉइंट ना रह जाए कि जहाँ पर ना लगाया हूँ। तो धीरे धीरे से मैंने जो एक चिप मेरे पास एक आई शेडो पैलेट थी उसमें लगाया। देन उसके बाद मुझे ऐसा लगा मुझे और थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करना चाहिए शिमरी शेड को, तो मैंने ये आई शेडो पैलेट को यूज़ किया है और उसमें से लेके मैंने लगाया। वैसे भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था, दोनों में जो पिंक वाला शिमरी शेड था वो एक जैसा ही था। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक कलर लिया है और उसे आउटर जो मेरा वी एरिया है आइज़ का वहाँ पर लगाया है। देन उसके बाद टैप रिमूव करने के बाद जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो यही था कि आप टैप लगाते हो तो वो आपकी आई शेडो लुक को बहुत ही शार्प शेप दे देता है। देन उसके बाद मैंने आई लाइनर से एक छोटी सी स्मॉल लाइन क्रिएट की है और उसको अच्छे से फील कर दिया है। मुझे क्या ऑलवेज हर गर्ल को यही प्रॉब्लम होती है कि हम जब आईलाइनर लगाते हैं तो एक साइड की आईज पर लाइनर बहुत अच्छे के तरीके से लगती है और दूसरी साइड बिल्कुल भी सेम तो कभी नहीं होती। मेरे साथ तो हर बार ये मसला होता है कि मैं एक साइड पर आईलाइनर लगाती हूँ तो दूसरी साइड कुछ और ही आईलाइनर का शेप लग जाता है। सो गाइस, ये पूरा हो गया मेरा मेकअप। और हाँ, लोअर लैश लाइन पर मैंने थोड़ा सा पिंक कलर लिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डार्क और पर्पल कलर नीचे लोअर लैश लाइन पर लगाया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी जो वाटर लाइन थी वहाँ पर मैंने जो वाइट काजल है उसके तौर पर मेरे पास जो कंसीलर था उसे यूज़ किया है
उसे मैंने फिंगर टिप से अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई किया है। देन उसके बाद मैंने अपनी आईलैशेस को कर्ल कर लिया है और मस्कारा जो लोकल मार्केट में हमें मिलता है वही मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास, सच बताऊँ, मेरे पास कोई अदर मस्कारा है ही नहीं, मैं यही यूज़ करती हूँ। और वैसे नॉर्मली तो मैं लगाती ही नहीं हूँ मस्कारा, लाने का सोच रही हूँ, अब लाऊँगी। तो उसके पास, सो गाइस, फाइनली हमारा लुक कंप्लीट है। अगर आप इसे घर पर चाहो तो कर सकते हो, कहीं और भी आपको एज अ पार्टी या आपने कोई पिंक कलर का कोई ड्रेस पहना है वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस, अगर आपको मेरी आई शेडो लुक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक बटन को।